हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि 3GP फाइल को हम MP4 में कन्वर्ट कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि 3GP फाइल हम MP4 में कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि कई जगहों पे दोस्तों MP4 ही ज़्यादा मायने रखता है। 3GP कई कई जगहों पे यूजेबल नहीं होता है या वो कई बार रन नहीं होता है, तो उसके लिए हमें उस फाइल को MP4 में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वीडियो को MP4 में कन्वर्ट करने के लिए हमें कई बार नेट पे बहुत देर तो सर्च करना पड़ता है, तब जाके हमें सॉफ्टवेयर मिलता है। और कई बार तो हमें सॉफ्टवेयर जो मिलता है वो पैड होता है, मतलब हमें उसके लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लाया हूँ जो बिल्कुल फ्री है और बहुत ही ईजी है यूज़ करने के लिए, जिससे हम ईजिली अपनी फाइलें 3GP से MP4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसे डाउनलोड करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे जाके फ्री 3GP कन्वर्ट पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर लिया है। आप जैसे डाउनलोड करेंगे आपके सामने ऐसा आइकन ओपन हो जाएगा। इसकी मैं आपको साइज़ दिखाऊँ तो ये 17.7 MB का है लगभग, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है कि हम डाउनलोड ना कर सकें। तो इसे हम अब इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि आपको इस सॉफ्टवेयर को कहाँ इंस्टॉल करना है, कि कहाँ पे इसकी प्रोग्राम फाइल्स कॉपी होंगी। तो इसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और अब ये पूछ रहा है क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन द इंस्टॉलेशन, यहाँ हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। और अब ये हमसे परमिशन मांग रहा है और अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ये देखिए, अब हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। इसे हम क्लोज कर देते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसका आइकन हमारे सामने डेस्कटॉप पे डिस्प्ले हो गया है। अब हम सीखेंगे कि इससे हम अपनी फाइलें MP4 में कन्वर्ट कैसे करें। तो इसे हम ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने सॉफ्टवेयर का विज़ार्ड ओपन हो गया है। और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमें यहाँ पे फाइलें इंसर्ट करनी है जिसको हमें MP4 में कन्वर्ट करना है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक बात ध्यान दिला दूँ, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 3GP टू MP4 कन्वर्टर है, तो हमें ऐसे 3GP फॉर्मेट की वीडियो ही दिखानी पड़ेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरी ये वीडियो है दोस्तों, अब हम यहाँ इस फाइल को इंसर्ट करते हैं जिसको मुझे MP4 में कन्वर्ट करना है। तो आपको दिखा दूँ कि जो वीडियो है ये हमारी 3GP फॉर्मेट में है, इसे हमें MP4 में कन्वर्ट करना है। तो MP4 में कन्वर्ट करने के लिए इस फाइल को हम सेलेक्ट करते हैं डबल क्लिक करके और यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गई है। यहाँ पे हमें ये जो बॉक्स है यहाँ पे हमें चेक पे क्लिक करना है और यहाँ से ये आउटपुट फोल्डर पूछ रहा है, मतलब कन्वर्ट होने के बाद आपकी वीडियो कहाँ पे कॉपी हो ये हमसे पूछ रहा है। तो मैं इसे ब्राउज करके दिखा देता हूँ डेस्कटॉप पे ही। डेस्कटॉप पे इसे मैंने लोकेशन दे दी है, अब ये डेस्कटॉप पे बाय डिफ़ॉल्ट ही कॉपी हो जाएगी। अब हम इसे कन्वर्ट सिलेक्टेड पे क्लिक करते हैं और अब हमारी वीडियो देखिए कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। और ये देखिए, हमारे डेस्कटॉप पे भी इसका आइकन बनना शुरू हो गया है। और जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाती है, इसका आइकन ऐसा आइकन हटने के बाद जो वीडियो है वैसा आइकन डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। जब तक मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो अब दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो है कन्वर्ट हो चुकी है, लेके आ चुका है कन्वर्टेड। और हमारी जो वीडियो है, जैसा मैंने कहा था, इसका आइकन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम इसे बंद कर देते हैं और इस वीडियो को मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कन्वर्ट हुई है या नहीं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख के आ रहा है .MP4, मतलब हमारी वीडियो सही तरह से कन्वर्ट हो गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि हम फ्री में वीडियो कैसे कन्वर्ट करें 3GP से MP4 में। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो फॉर्मेट होता है .WEBM,
जो बहुत ही जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर होते हैं, और कई बार सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कई बार .WEBM में जो वीडियो होती है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो WEBM कई जगहों पे रन नहीं होता है, तो उसे हम MP4 में कन्वर्ट कैसे करें वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरी नई वीडियो देख सकें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी दूसरे टॉपिक पे या दूसरे किसी कन्वर्टर पे आपके लिए ट्यूटोरियल बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बाय गाइस, तब तक हम अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट न्यू वीडियो में। गुड बाय।